हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऐप एग्जाम्पल पर। तो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मौज में होंगे, आनंद में होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, SCF और LCM। तो कैसे हैं आप लोग? तो SCF और LCM स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नया टॉपिक है, मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था अभाज्य संख्याओं के बारे में, उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। SCF एंड LCM बिल्कुल प्यार से समझना इसको। मैसे और लैसे, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त, ठीक है, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब होता क्या है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल डिटेल में, है ना, बिल्कुल प्यार से देखना। सबसे पहले मैं लैसे के बारे में बताता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं लैसे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मैं कहूं कि 12 और 15 और 10 का मुझे लघुत्तम निकालना है, ठीक है, तो वो लघुत्तम क्या होगा? बिल्कुल प्यार से सुनना। वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम ऐसी छोटी संख्या होनी चाहिए जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए, जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए। और दिए गए नंबर आपके कौन से? 12, 15, 10। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए,
ठीक है, यहां पर ऐसी संख्या लिखनी है जो 12, 15 और 10 तीनों से विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर अगर हम 30 लिखें तो 30 12 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 30 लघुत्तम संख्या है ही नहीं है। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या, तो 12, 15 और 10 का मुझे लघुत्तम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। तो अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूं, क्या ये 15 तीनों से विभाजित है? नहीं। अब इस बड़े नंबर का दुगना करो, 30। क्या 30 तीनों से विभाजित है? इन दोनों से तो है लेकिन इससे नहीं है, तो 30 भी आंसर नहीं होगा। 15 का 3 गुना करो, 45। क्या 45 इन तीनों से विभाजित है? नहीं। और 15 का 4 गुना करो, 15 का 4 गुना हो गया 60, और ये 60 सबसे विभाजित हो गया, 60 सबसे विभाजित हो गया, 12 से भी हो गया, तो 15 से भी हो गया और 10 से भी हो गया। तो 60 ही एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबरों से विभाजित हो रहा है। अच्छा, 60 से पहले ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। 60 से पहले, 60 से पहले ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं कहूं कि 60 से बड़े ऐसे कितने नंबर है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, तो 60 से बड़े तो बहुत सारे नंबर हैं जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। 120 है, 180 है, 240 है, 300 है, 360 है, 420 है, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, ठीक है, जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा 60 ही है, सबसे छोटा 60 ही है, बड़े तो इससे बहुत हैं, 60 से बड़े तो बहुत हैं, अनंत हैं, जो इन 12, 15, 10 से विभाजित हो जाएं, लेकिन सबसे छोटा 60 है। तो इनका जो लघुत्तम आएगा वो 60 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, बड़े नंबर का मल्टीपल देखते जाओ, और बड़े नंबर का मल्टीपल अगर तीनों से विभाजित हो गया तो वो आएगा लघुत्तम, ऐसा हम देखते हैं। और हम बचपन में लघुत्तम कैसे निकालते थे? 12, 15 और 10 का हम लघुत्तम कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे ना, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 2 से कितनी बार गया? 3 बार, ये 15 बार, ये 5 बार, 3 से कितनी बार गया? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 5, और फिर 5 से ये 1 1 आ जाएगा, 5 3 15 2 3 2 60। तो ऐसे निकालने लगोगे तो बच्चे ही कहलाओगे, तो बच्चे वाले तरीके से हमें नहीं करना है, थोड़ा सा हमें एडवांस सोचना है, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, छोटे से छोटा क्वेश्चन बना रहा हूँ कि 12, 15 और 10 का लघुत्तम क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझना। पहला ऑप्शन 120, दूसरा ऑप्शन 180, तीसरा ऑप्शन 70, चौथा ऑप्शन 60। सुनना मेरे प्यारे साथियों, तो लघुत्तम एक ऐसा नंबर होता है, लघुत्तम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए। या तो मैं इसको सॉल्व करूं या मैं इसको ऑप्शन से जाऊं। देखो, लघुत्तम को अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब 12, 15 और 10 का लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम ऊपर आएगा, लघुत्तम ऐसा नंबर जो इनसे विभाजित हो जाए। तो अगर बहुत से लोग ऑप्शन से करेंगे कि ऐसा नंबर जो इनसे विभाजित हो जाए, तो अगर मैं पहले ऑप्शन को 120 को रखता हूँ, 120 को रखता हूँ, 120 को रखता हूँ, तो 120 इन तीनों से विभाजित हो रहा है, इन तीनों से विभाजित हो रहा है, 120 12 से विभाजित हो रहा है, 120 15 से विभाजित हो रहा है, और 120 10 से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन आप आंसर 120 तो कर नहीं सकते हो। अब आपको ऑप्शन में ऐसा चुनना होगा सबसे छोटा नंबर, क्योंकि 120 तो इनमें से छोटा है नहीं है, तो आप सबसे छोटा नंबर रखोगे यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 60। अगर 60 इन सबसे विभाजित हो गया तो यही आंसर है, यही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 120 मत कर देना, 60 होगा, 60 इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो 60 ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो रहा है, 60 छोटा ऐसा नंबर है ना मेरे प्यारे साथियों, 60 ऐसा छोटा नंबर है जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया बात, थंबनेल करके बताओ, कमेंट नीचे करो, ये क्लियर होगी बात, हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि 24, 36 और 18 का लघुत्तम, 18 का लघुत्तम क्या होगा, है ना, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं 48, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 72, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 50 और चौथा ऑप्शन देखते हैं 60। तो वो तीनों से विभाजित होना चाहिए, 24, 36 और 18 से तीनों से विभाजित होना चाहिए, इनका लघुत्तम नहीं निकाल रहे हम, ऑप्शन के जरिए चल रहे हैं। इनमें सबसे छोटा नंबर है 48, क्या 48 इससे हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन इससे नहीं हो रहा, तो ये गलत। 48 के बाद आएगी 50 का नंबर, 50 किसी से भी नहीं हो रहा, 60 भी किसी से विभाजित नहीं हो रहा, तो आंसर आ गया आपका 72। तो 72 इज द राइट आंसर। तो आपको शुरुआत करनी है छोटे नंबर से, ऑप्शन में सबसे छोटा पकड़ना है, छोटा इन तीनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देख के आपको चलना है। तो ये गणित हम देखेंगे यहाँ पर कंपटीशन लेवल में। तो हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के क्वेश्चन को मोस्टली हम ऑप्शन से करेंगे, ये बात क्लियर हो गई, मोस्टली हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अब मैं मैसा की बात करता हूं, बिल्कुल प्यार से सुनना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, फॉर एन एग्जाम्पल, बिल्कुल प्यार से सुनना, अगर मुझे 15, 20 और 25 का मुझे महत्तम समावर्तक निकालना है, मैसे निकालना है, तो मेरे प्यारे साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, तो मैसे आएगा यहाँ पर नीचे, है ना। लैसे और मैसे में अंतर समझ में आया, लैसे वह छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, और मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। वहां से लग रहा था या को लग रहा है, तो यहां मैसे इन नंबरों को विभाजित करेगा और यहां लैसे उन नंबरों से विभाजित होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो दोनों में फर्क समझा देता हूं, लैसे क्या होगा, जो दिए गए नंबरों से विभाजित होगा, और मैसे क्या होगा, जो दिए गए नंबरों को विभाजित करेगा। इतना फर्क समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 15, 20 और 25 का मुझे लघुत्तम निकालना है, वो मैसे निकालना है, तो हम बचपन में कैसे करते थे, इसके टुकड़े करते थे 5×3, इसके टुकड़े कर लिए 5×2×2 और इसके टुकड़े कर लिए 5×5। अब इन तीनों में देखते थे कॉमन क्या है, कॉमन केवल 5 है, तो 5 इनका क्या होगा, मैसे होगा। तो 5 ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इनको विभाजित कर रहा है। देखो 15, 20, 25 में मैं 5 का भाग दूं तो ये इसको भी विभाजित कर रहा है, इसको भी विभाजित कर रहा है, इसको भी विभाजित कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर यही है 5। 5 से बड़ा ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इनको विभाजित कर दे, 5 से बड़ा कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा 5 है। 5 से छोटे हो सकते हैं, 1 है, जैसे 1 इन सबको विभाजित कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर 5 है, सबसे बड़ा नंबर 5 है जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर रहा है। तो मैसे और लैसे में अंतर समझ में आया, तो उम्मीद करता हूं कि अंतर समझ में आया होगा। 121, बिल्कुल प्यार से समझना, 132 और 143 का मैसे निकालना है।
तो हम ऑप्शन के जरिए करेंगे, है ना। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन 10। अच्छा, मैसा क्या है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, मैसा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो यहां सबसे पहले बड़ा चुनना है, ऐसे में सबसे छोटा चुन रहे थे, मैसा में सबसे बड़ा चुनना है 13। क्या ये 13 इन सबको विभाजित कर रहा है? नहीं, 121 में 13 का भाग तो नहीं जा रहा। अब इन सब में 12 का भाग दूं, क्या ये 12 इन सबको विभाजित कर रहा है? नहीं। उसके बाद उतरेंगे 11 पर, क्या 11 इन सबको विभाजित कर रहा है? 11 11 11, बिल्कुल। तो 11 क्या होगा? 11 इनका मैसे होगा, 11 इनका मैसे होगा, 11 इनका मैसे होगा, 11 इनका मैसे होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो गई। 33 और 55 का मुझे मैसे निकालना है, 33 और 55 का मुझे मैसे निकालना है। पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 11। तो आंसर आएगा 11। बड़े से बड़ा नंबर पकड़ना है, इसमें बड़ा नंबर 14 है, 14 दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है, 13 भी दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद 11 पे उतरेंगे, 11 दोनों को विभाजित कर रहा है। तो यहां से एक और क्लू समझते हैं मैसे का। अच्छा, मैसे हमेशा संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है? 22। मैसे हमेशा या तो संख्याओं का अंतर होगा या उस अंतर का गुणनखंड होगा, दोनों में से एक होगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर 22 है, तो जो मैसे होगा ना 22 हो सकता है या 22 का गुणनखंड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा है। तो यहां इन संख्याओं का अंतर 22 है, 22 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो 22 का मल्टीपल दे रखा है 11, 22 का मल्टीपल दे रखा है 11, तो 11 हमारा सही आंसर है, है ना। तो मैसे हमेशा संख्याओं का अंतर या अंतर का मल्टीपल, अंतर का गुणनखंड होता है मेरे प्यारे साथियों। ये क्लियर हो गई बात। मैसे और लैसे के बारे में दो चार बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। 4 और 19 का मैसे क्या है? मैसे सबसे बड़ा नंबर 19, क्या 19 इनको विभाजित कर रहा है? नहीं, इसको तो नहीं कर रहा। 7 इन दोनों को विभाजित कर रहा है? नहीं, इन दोनों को 4 कर रहा है? नहीं, तो 1 इज द राइट आंसर। 4 और 19 में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 19 को विभाजित कर दे, 4 और 19 को विभाजित कर दे केवल 1 के अलावा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मैसे होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। इनका मैसे क्या होगा? इनका मैसे क्या होगा? मैसे 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 सबसे बड़ा, 2 और 4 में से 2 ही कॉमन निकल रहा है, छोटे मोटे तो उड़ा ही दोगे। 2 और 4 में से 2 ही कॉमन ले सकते हो, छोटा मोटा क्वेश्चन है ये, तो 2 ही कॉमन ले सकते हो इसको, तो 2 आंसर होगा। या ऑप्शन से देखना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों देखो, सबसे बड़ा नंबर है क्या? 4। क्या 4 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है? इसको तो नहीं कर रहा। 3 कर रहा है? नहीं। फिर उसके बाद 2 का नंबर आएगा, तो 2 दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 2 हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है? क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से विभाजित नहीं होती, और मैसे तो विभाजित करेगा, मैसे क्या होगा? उन संख्याओं को विभाजित करेगा। जैसे मैंने 2 अभाज्य संख्या ले ली 7 और 11, तो 7 और 11 में किसी का भाग जाएगा नहीं, केवल 1 के अलावा, 1 के अलावा। इनकी अभाज्य संख्या में कभी इनका भाग चला जाएगा? तो अभाज्य संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता 1 के अलावा, तो अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मैसे क्या होगा? इसका मैसे भी हमेशा 1 होगा। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्या है। किन्हीं भी 2 लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या, इन दोनों का मैसे 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 का कॉमन तो 1 ही होगा। इन दोनों में से कॉमन भी 1 आएगा, इन दोनों में से भी कॉमन 1 आएगा,
इन दोनों में से भी कॉमन वन आएगा, कोई भी दो लगातार संख्या ले लो 13 14, वन ही कॉमन आएगा 13 14 में से, 15 और 16, 15 और 16 में से एक ही कॉमन आएगा, 17 और 18 इसमें से एक ही कॉमन आएगा, वन इज द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर, ठीक है। 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तन निकालना है, महत्तम समावर्तन या तो मैं निकालूं या मैं ऑप्शन के जरिए देखूं। महत्तम समावर्तन वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या देखो 14, क्या 14 में सबका भाग जा रहा है, 63 में तो नहीं जा रहा। उसके बाद आता है 9 का नंबर, क्या 9 में इन सबका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 42 में 9 का भाग जा रहा है। उसके बाद आएगा 7 का नंबर, 7 में इन सबका भाग जा रहा है, जा रहा है, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी बात खोपड़िया में घुस गई, इनका मुझे मैसे निकालना है। मैसे क्या होगा, जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर देगा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 14, 14 में 63 में 14 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। 14 में इसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, इसमें भाग 14 का नहीं जा रहा। उसके बाद नंबर आता है 9 का, तो 42 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है 7 का, 7 में सबका भाग जा रहा है, तो जो आपका मैसे होगा वो 7 होगा, जो आपका मैसे होगा वो 7 होगा, 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। और मैंने एक और तरीका बताया था मैसे निकालने का, क्या तरीका था बताओ प्यारे साथियों, जिगर के टुकड़ों बताओ। मैसे जो होता है उन संख्याओं का अंतर, अंतर 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 होता है एक, देखो अंतर है 21, है ना, अंतर है 21 का, कहीं 21 दे रखा है। वैसे 21 तो मैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि 21 में 42 में, सुनो मेरे प्यारे साथियों, 21 में 42 में 21 का भाग जा रहा है, 63 में 21 का भाग जा रहा है, 140 में 21 का भाग नहीं जा रहा, तो 21 नहीं है, तो 21 का मल्टीपल है वो, 21 का मल्टीपल है, और 21 का मल्टीपल 7 होता है, तो 7 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 96, 528, 2160, 3520 का मैसे ज्ञात करें। अब जो चीज मैंने सिखाई है, अब बच्चों की तरह मत करना, कॉमन निकालने लग जाओ। मैसे क्या होता है, जो इन सब बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन सबको विभाजित कर दे, जो इन सबको विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर दे, जो इन सबको विभाजित कर दे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, इसमें तो भाग जा ही रहा है, 16 3 48, 16 3 48 इसमें भी भाग जा रहा है, 16 एकम 16, 5 बज गया, 16 3 48, 8 बज गया, 16 5 80, इसमें भी 16 का भाग जा रहा है, 16 2 32, 3 बज गया, 16 2 32, इसमें भी 16 का भाग जा रहा है, तो आंसर ठोक दो 16, आंसर ठोक दो 16। अब मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे लाडलो, अगर आपने 8 का भाग दिया सब में, तो सब में 8 का भाग जा रहा है, तो कहीं आंसर 8 मत ठोक देना। मैसे क्या होता है, मैसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा तो इसमें 16 है, तो पहले आपको सबसे पहले 16 को तो चेक करना है, क्या पता 16 का भाग सब में जा रहा हो, 8 का तो जा ही रहा है, क्या पता 16 का भी जा रहा हो, 16 का जा रहा है, 16 3 48 4 16 3 48 जा रहा है, 16 एकम 16, 5 बज गया, 16 3 48, 8 बज गया, 80 16 5 80 जा रहा है, 16 2 32 3 32, 16 2 32 जा रहा है, तो 16 का भाग सब में जा रहा है, तो आंसर 16 ही होगा। 12 क्यों दे रहे हो दादा, लुटिया तो बो दी तुमने, तो
ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉपी पेस्ट। भैया एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं। लंका लग गई। चलो 425 और 476 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? रीट 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा इनका अंतर निकाल लेते हैं, अंतर निकालना ज्यादा सही लग रहा है मुझे। 1 और 51, इनका अंतर है 51। अच्छा या तो 51 आंसर होगा या 51 का मल्टीपल होगा। 51 के मल्टीपल कौन से? 17 या 51, लेकिन जरूरी नहीं है 51 हो, इनमें से आंसर हो सकता है, इनमें से आंसर होगा 100%। इनका अंतर कितना है? या तो देखो इनमें ये सबसे बड़ा संख्या कौन सा? 51। या तो इसमें 51 का भाग दे लो। क्या 51 का भाग जा रहा है? 51 का भाग जा रहा है? 51 का भाग जा रहा है? 51 का भाग देते हैं इसमें, 51 का भाग देते हैं। 3 से काट रहा हूं, 3 से 17 बार गया, 3 एकम 3 और 1 बच गया, 3 चौक 12 नहीं, 3 का ये 51 का भाग जा ही नहीं रहा है इसमें, 51 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो 51 नहीं होगा, 17 को ठोक दो। 17 दूनी 34, 8 बज गया, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 13, 17 8 136, 17 का भाग जा रहा है, 51 का जा ही नहीं रहा, ठीक है मेरे प्यारे साथी, 17 सही आंसर है। चलो 408 544, 638 783, 425 और 476 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अरे इन सबका नहीं पूछा, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा और इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका तो हम निकाले थे अभी 17, तो ये 29 और 29 तो गलत हो गया, इन दोनों में से एक आंसर सही है। मेरे प्यारे साथियों ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना। अब इन दोनों में से एक आंसर हमारा सही है। पता कैसे चलेगा? पता कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब मेरे प्यारे साथियों ये दो ऑप्शन तो आपके पास गलत हो गए। अगर इसका महत्तम समावर्तक या तो 32 है या 29 है, अगर इन दोनों में 32 का भाग चला गया तो यही आंसर सही है, फिर तो 29 होगा नहीं। अब चेक कर लो कि इन दोनों में 32 का भाग जा रहा है, जल्दी से बताओ क्या इन दोनों में 32 का भाग जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? अंतर देख लो, अंतर 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 608 और 544 का जो अंतर है वो है बेटा 4, 60 में से 54 64, और 64 का मल्टीपल 29 तो होता नहीं है, 32 ही होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हर्षित शॉर्ट बताओ, ऐसे ऑप्शन देखने लगे तो लंका लग जाएगी। हर्षित देख ले बेटा, हर्षित देख बेटा, 608 का मुझे फैक्टर करना है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्की 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 से 19 बार 19। तो ये फैक्टर हो गए हमारे 608 के। कौन कौन से फैक्टर हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19, 544 के फैक्टर निकालते हैं इसके।
दो दुनी चार, दो सत्ते चौदह, दो दुनी चार, दो एकम दो, दो तीया छः, दो छक्की बारह, दो छक्की बारह, दो अट्ठे सोलह, दो तीया छः, दो चौके आठ, दो से कितनी बार गया, सत्रह, सत्रह। ये हो गए हमारे 544 के फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन चुनते हैं, कॉमन, दो दो कॉमन, एक दो और कॉमन आ गया, एक दो और कॉमन आ गया, एक दो और कॉमन आ गया, एक दो और कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ 19 है, ये कॉमन नहीं है। तो दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोलह, दुनी 32। तो हर्षित बेटा, इसका जो लघुत्तम समावर्त्य आया, सॉरी, इसका जो महत्तम समावर्त्य आया, परफेक्टली आपका आ गया 32। ठीक है, अब सेम टू सेम इसका महत्तम समावर्त्य निकालेंगे। अब हम इसका लघुत्तम, इसका महत्तम समावर्त्य निकालेंगे एज इट इज। अब देख हर्षित, इधर 638 का बेटा देख, दो तीया छः, दो एकम दो, दो नाम अठारह, दो एकम दो, दो पंजे दस, नहीं ती, दो से तो नहीं जा रहे है। ये किससे जा रहे हैं, 319, 319 में किसका भाग जाएगा, 319 में जाएगा 29 का भाग, 11 का भाग, 11 दुनी 22, 11 नाम 99 और 29 एकम 29। आधे लोगों को पता ही नहीं चलेगा किससे भाग जा रहा है। ठीक है, 783 का महत्तम समावर्त निकालो, तीन से काटो, तीन दुनी छः, तीन छिंग अठारह, तीन एकम तीन, तीन अट्ठे चौबीस, तीन सत्ते इक्कीस, तीन से कटा 29 बार और 29 एकम 29। ये 783 के फैक्टर हैं और ये 638 के फैक्टर हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इन इनमें से कॉमन चुनना है। इनमें से कॉमन क्या है, 29 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, 3 3 3 11 2, तो 29 कॉमन है इन दोनों में से। तो इसका महत्तम समावर्त्य आ गया 29। ठीक है, 32 और 29 किस में दे रखा है, 32 और 29 ए ऑप्शन में दे रखा है, उसको भी ऐसे निकाल सकते हो। तो उम्मीद है हर्षित जी आप ऐसे करोगे और बाकी के लोग जैसा हम समझा रहे हैं वैसे करोगे, क्यों, सही है ना। चेंजेस एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो आप लोग, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, जो बचपन से मैंने सीखा है उसी तरीके से करना चाहते हो, उस तरीके से मैं बता दिया ऐसे कर लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये खोपड़िया में बात घुस गई होगी। मैंने आपको बताया था, तीन तरीके मैंने बता दिए, तीन तरीके। पहला तरीका क्या, ऐसे फैक्टर से, दूसरा तरीका ऑप्शन, और तीसरा तरीका अंतर। स्मार्ट लोग ऑप्शन और अंतर दोनों से चलते हैं, स्मार्ट लोग ऑप्शन और अंतर दोनों से चलते हैं स्मार्ट लोग। मेरे प्यारे साथियों, तो आप देख लें कि आप स्मार्ट हो कि कैसे हो। मुझे इनका लघुत्तम निकालना है, महत्तम समावर्त्य निकालना है, तो ऑब्वियसली इनका महत्तम समावर्त्य इन दोनों में से होगा, या तो 17 होगा या 29 होगा, यही दो नंबर है 17 29। बड़ा तो कौन सा है, 29। अब मेरे प्यारे साथियों, इनका अंतर है 51, तो 51 का मल्टीपल 29 तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इन दोनों में से एक आंसर सही है, अंतर से देख रहा हूं, इनका अंतर है 51, तो या तो इनका लघुत्तम 51 होगा यदि 51 का भाग जा रहा होगा, या 51 का मल्टीपल होगा। तो 51 का मल्टीपल, तो 51 का गुणनखंड तो 29 होता ही नहीं है, 17 ही होता है, तो 17 हमारा सही है। अब चलो ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, इनका अंतर कितना था, 64 था अंतर, 64 था क्या, इनका अंतर है 64,
तो इनका महत्तम समापवर्तक 64 भी हो सकता है और 64 का गुणनखंड भी हो सकता है। 64 का गुणनखंड 29 तो होता ही नहीं है, 34 का गुणनखंड 29 तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास गलत थे, ये और गलत हो गया, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन बचा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, घुस गई बात अच्छे से क्लियर हो गई बात बेटा। अब बताओ शॉर्ट है, कौन सा शॉर्ट है, पूरा सॉल्व करना शॉर्ट है कि ऐसे करना शॉर्ट है? चलो इनका महत्तम समावर्तक निकालना है, कॉमन देखना है। अगर ऐसे ऐसे चर पदार्थों का, चर वेरिएबल का महत्तम समावर्तक निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है मेरे प्यारे साथियों, तो आप क्या करोगे, कॉमन देखोगे, ए स्क्वायर ए फोर और ए की पावर एट, इसमें से कॉमन ए स्क्वायर ही है, सबसे जो छोटा होगा वही कॉमन है, जो सबसे छोटा होगा वही कॉमन है। अब बी में देखो, बी फोर बी थ्री और बी सिक्स, सबसे छोटा बी थ्री है, तो बी थ्री महत्तम समावर्तक होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों, सी सिक्स सी एट और सी टू, तो मेरे प्यारे साथियों ये महत्तम समावर्तक है, ए इज द राइट आंसर। अगर मैं इस संख्या का भाग इन सब में दूं तो पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो मैंने कहा कि 3 × 5 और 3 × 7 में से आपको कॉमन चुनना है, कॉमन चुनना है, 3 × 3 × 5 और 3 × 7 में से कॉमन चुनना है, तो आप 3 ही तो कॉमन चुनोगे कि इनका महत्तम समावर्तक 3 ही तो होगा, तो मैं सेम टू सेम 3 2 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिख दूं और इसको मैं 3 की पावर 1 लिख दूं, तो जो सबसे छोटा होगा वही महत्तम समावर्तक होगा, 3 की पावर 1। मेरे प्यारे साथी ये क्लियर हो गई बात। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना कि ए स्क्वायर ए फोर ए एट का महत्तम समावर्तक निकालना है तो ये आएगा ए स्क्वायर, बी फोर बी थ्री और बी सिक्स का महत्तम समावर्तक निकालना है तो ये आएगा बी थ्री आएगा, और सी सिक्स सी एट और सी टू का जो महत्तम समावर्तक निकालना है वो सी टू आएगा, तो मेरे प्यारे साथियों ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए हमारा राइट आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई, फटाफट जल्दी से बताएं क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों, क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना, सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर हो गई? छह सौ आठ है अरे प्रवीण जी 606 नहीं है, 608 है बेटा ये। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको भिन्न का लैसे और मैसे निकालना है, भिन्न का लैसे और मैसे निकालना है, तो अगर लैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे और नीचे वाली संख्याओं का मैसे, और मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रवीण जी 606 नहीं है दादा, 606 नहीं है, वो 608 है।
अरे यार कितनी बार बताऊं, 608 है ये, और 608 में से 544 को माइनस कर, 4 8 में से 4 गया 4, और 60 में से 54 हुआ 6, 64, 32 का ही तो मल्टीपल है, 32 दूनी 64, 64। ठीक है बेटा, तो अगर आपको किसी भिन्न का लैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे और नीचे वाली संख्याओं का मैसे, और मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे। याद करने का तरीका, लैसे निकालना है तो ऊपर लैसे आएगा और नीचे अपोजिट, मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे, नीचे लैसे। सर आकांक्षा नहीं है, आकाश है। हाँ आकाश, ठीक है, नाम में क्या रखा है। चल अब देख, इसका महत्तम समावर्तन निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समावर्तन निकालेंगे। अच्छा 13, 9 और 21, 13, 9, 21 का महत्तम समावर्तन निकालेंगे। 13, 9, 21 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 13 तो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं आता एक के अलावा, तो ऊपर वालों का मैसे आ गया 1 और नीचे वालों का लेस है 80 आएगा, 16 5 80 8 10 80, तो ए हमारा सही आंसर होगा, ए हमारा आंसर होगा। वैसे ए और इसने सी एक जैसे कर दिए हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, तो इसको मैं एक चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको 3/80 लिख देता हूँ, दो ऑप्शन एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई, प्रवीण भाई क्वालिटी 144 से साफ नहीं दिख रहा है, तो 260 कर लो ना, 360 पे देखा करो भाई, ठीक है। अच्छा मैसे निकालने हैं तो ऊपर वालों का मैसे निकालोगे, इनका मैसे क्या होगा 1 और इनका लैसे कितना होगा 80, तो ये आंसर है। अच्छा केवल एक इसी ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो 1 को ठोक दो, तो 1/80 इज द राइट आंसर। चलो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 102/17 इनका महत्तम समावर्तन निकालना है, महत्तम समावर्तन, महत्तम समावर्तन मेरे प्यारे साथियों, महत्तम समावर्तन 102/17, 17 3 51, 51 और 9 कितना हो गया 60, 60/17 और 12/17 का मुझे मैसे निकालना है, तो ऊपर वालों का मैसे और नीचे वालों का लेस है। ऑब्वियसली लेस है 17 17 है, तो लेस है 17 ही आएगा, 17 17 17 का लेस है 17 ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपके पास गलत हो गए, और ये ऑप्शन बचे, क्या इनका मैसे 14 है, 102 में 14 का तो भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 6 आंसर सही हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। मैसे क्या होता है, जो इनसे विभाजित हो जाए, जो इनको विभाजित कर दे। अब आपके पास दो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि नीचे तो लघुत्तम 17 ही है, 17 17 17 का लघुत्तम 17 है, 17 इसमें है और इसमें है, इनमें तो नहीं है। अब ऊपर वालों का मैसे निकालना है, या तो मैसे 14 होगा या 6 होगा, 14 को चेक कर लेते हैं, 14 का भाग इनमें किसी का नहीं जा रहा, तो 14 गलत आंसर हो गया, इसलिए हमारा ए आंसर सही है। 360 और भी क्लास है, 4 घंटे YouTube पर और 5 घंटे ऐप पर बसता ही नहीं नेट, तो नेट तो यार वाईफाई लगवा लो ना, वाईफाई लगवा लो, 400-500 रुपये महीने का खर्चा है, ठीक है, तो आपके घर में जो भी इस्तेमाल है करते हैं नेट, तो आपको नेट पैक नहीं कराना पड़ेगा। वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हो आप। चलो ये आपको दे रहा हूं होमवर्क, और ये आपको मैं कराऊंगा कल, ये होमवर्क है आपका। आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं, उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे पर एलसीएम बिल्कुल आराम से लेके चलूंगा, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये होमवर्क रहेगा आपका, करके बताना एक बार। धन्यवाद, थैंक यू।